नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपैरिजन इन दो वेरिएंट्स का। ये है Z8 लग्जरी वेरिएंट और ये है Z8 वेरिएंट, दोनों ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ है। इनमें बताऊंगा भाई क्या कुछ डिफरेंस मिलता है। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है भाई कि दोनों गाड़ियां सेम फ्रेम में होंगी तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। शुरुआत करते हैं भाई इनकी चाबी के साथ। यहाँ पे आपको जो की मिलेगी वो सेम है, ये भाई हर एक वेरिएंट में ऐसी मिलती है। जो बेस वेरिएंट है उसमें सिर्फ ये आपको बटन नहीं मिलेंगे, बाकी फोल्डेबल की मिलेगी सेम इसी डिजाइन में। अब भाई ये ऊपर वाले वेरिएंट तो इसमें आपको यहाँ पे रिमोट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनके फ्रंट की, तो भाई यहाँ पे देखने में आपको कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। सेम दोनों वेरिएंट में यहाँ पे ग्रिल है, सेम हेडलैम्प है, इंडिकेटर वही सिक्वेंशियल मिल जाएंगे, नीचे DRL मिलेगी और प्रोजेक्टर इसमें आपको फॉग लैंप मिल जाएगा। स्किड प्लेट वो भी बिल्कुल सेम है सिल्वर कलर की। डिफरेंस आता है दोनों वेरिएंट में वो है भाई फ्रंट सेंसर का और कैमरे का। ये Z8 लग्जरी वेरिएंट है, यहाँ पे आपको फ्रंट में ये सेंसर मिल जाएगा और यहाँ पे मिलेगा कैमरा। Z8 वेरिएंट में यहाँ पे ना कोई कैमरा है और ना यहाँ पे आपको कोई भी इसमें सेंसर मिलेगा। तो ये हो गया भाई फ्रंट में डिफरेंस सिर्फ दो चीज का था। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की Z8 लग्जरी वेरिएंट की। यहाँ पे जो इसमें अलॉय व्हील मिलेंगे वो है 18 इंच के 255/60R18 टायर का प्रोफाइल है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। ORVM बॉडी कलर्ड है, टर्न इंडिकेटर ORVM के ऊपर है, डोर हैंडल के ऊपर मिल जाएगा क्रोम, यहाँ साइड में क्रोम की पट्टी ये मिल जाएगी, ऊपर सिल्वर कलर की इसमें आपको रूफ रेल मिलेगी, नीचे क्लैडिंग के ऊपर आपको मिल जाएगा ये सिल्वर पार्ट। और भाई दोनों ही वेरिएंट में फुटरेस्ट भी मिलेंगे, वो अंदर है गाड़ी में, दोनों वेरिएंट में मिलते हैं, दोनों में अंदर है, अभी लगाए नहीं गए, जब डिलीवरी होगी तब वो लगाए जाएंगे। ये हो गया भाई इसका साइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं Z8 वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की। यहां पे भी आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे, इनका साइज भी सेम है 255/60R18 टायर का ये प्रोफाइल है, ये देख सकते हैं आप। यहां पे आगे और पीछे यहां पे डिस्क ब्रेक मिलेंगे, साइड में यहां पे आपको क्रोम मिल जाएगा डोर हैंडल के ऊपर, यहां पे क्रोम की ये पट्टी है, ऊपर सिल्वर कलर के रूफ रेल है, ORVM बॉडी कलर टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाएंगे, नीचे भी यहां पे सिल्वर कलर की पट्टी दी गई है। तो साइड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एड्रीनोक्स का यहां पे बैज मिलेगा, यहां पे भी आपको एड्रीनोक्स का बैज ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई रियर प्रोफाइल की। रियर और साइड दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम है, फीचर भी सेम है, देखने में भी आपको बिल्कुल सेम लगेगा, डिफरेंस सिर्फ फ्रंट में था। अब रियर प्रोफाइल के यहां पे फीचर बता दूं आपको, यहां पे ये मिल जाएगा इसका महिंद्रा का लोगो, नीचे यहां पे कैमरा है, डोर हैंडल भाई मिल जाएंगे क्रोम के साथ, ऊपर सेंसर भी दिया गया है डोर हैंडल पे, यहां पे वाइपर है, डिफोगर है, वॉशर है, स्पॉइलर मिल जाएगा, हाई स्टॉप लैंप, ऊपर है शार्क फिन एंटीना। नीचे बंपर की बात करूं तो क्रोम की पट्टी मिल जाएगी सिल्वर कलर का, यहां पे आपको ये स्किड प्लेट दी गई है और भाई यहां पे 4 पार्किंग सेंसर इसमें दिए गए हैं, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाएंगे, LED टेल लाइट। यहां पे बात करूं तो यहां पे भी हर एक चीज आपको सेम मिलेगी, ये क्रोम के साथ डोर हैंडल, रिक्वेस्ट सेंसर यहां पे मिलेगा, यहां पे वाइपर मिलेगा, डिफोगर है, ऊपर हाई स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना इसमें भी मिलेगा, यहां पे महिंद्रा का लोगो, नीचे दिया गया है कैमरा, ये बंपर भी बिल्कुल सेम है क्रोम के साथ मिल जाएगा, नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, टेल लाइट ये भी भाई सेम है। ये तो टॉप वेरिएंट है, इसमें तो होना ही था, इसमें भी आपको वही LED और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ मिलेगी। तो ये हो गया भाई इसका एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इंटीरियर की। सबसे पहले चलते हैं Z8 लग्जरी वेरिएंट में। यहां पे डोर दिखा दूं तो भाई ये आपको ड्यूअल टोन मिल जाएगा, यहां पे सॉफ्ट टच है, ये पूरा पियानो ब्लैक, ये सारे कंट्रोल मिलेंगे यहां पे, इसका डोर ओपनर, यहां पे डोर हैंडल दिया गया है, नीचे बोतल होल्डर, थोड़ा स्पेस यहां पे मिलेगा स्पीकर, यहां पे दिया गया है ट्विटर। अब भाई सीट की बात करूं तो ये भी ड्यूअल टोन है, यहां पे ब्लैक और ब्राउन का ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट मिलेगी और भाई यहां पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। सीट को करते हैं थोड़ा सा पीछे और फिर चलते हैं इसके इंटीरियर पे। ये अब दिखाता हूं आपको इसका डैशबोर्ड। ये देखो भाई ऊपर पूरा हार्ड प्लास्टिक है, यहां पे सोनी का आपको स्पीकर मिल जाएगा, सोनी की ब्रांडिंग ये दी गई है यहां पे, ये पूरा सॉफ्ट टच है, यहां पे जो भी ब्राउन पार्ट दिया गया है, यहां पे ये सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा, ये पूरा पियानो ब्लैक है, यहां पे आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, नीचे यहां पे कंट्रोल दिए गए हैं, ये है भाई SOS के लिए, ये कैमरे के लिए दिया गया, फ्रंट वाला कैमरा ऑन हो जाएगा, आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ये दिया गया है, हैजार्ड लाइट का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए ये है, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, यहां पे आपको इसमें ये ड्राइव मोड भी मिलेंगे, जीप जैप जूम ये इसमें मोड्स मिल जाएंगे। नीचे यहां पे कुछ भी नहीं है, कोई वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड नहीं है, दो यहां पे आपको USB पोर्ट मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट पूरा मैट ब्लैक है, यहां पे मैनुअली हैंड ब्रेक है, ये इसका दो कप होल्डर मिल जाएंगे। गियर नॉब की बात करूं तो लेदर रैप है, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा, PRND और ये M का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये पूरा पियानो ब्लैक है, यहां पे सेंटर वाला पार्ट, यहां पे ये सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा। इसका जो आर्म रेस्ट है वो भाई लेदर रैप है, सॉफ्ट टच है पूरा, अंदर इसमें थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। इसका ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ये भी भाई डिसेंट साइज का है, अंदर कूल्ड है, ये पीछे वेंट आपको इसमें दिखाई दे गया होगा। स्कॉर्पियो N का यहां पे ये बैज मिलेगा। इस वेरिएंट में भाई टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं। ऊपर यहां पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, ये लाइट है व्हाइट कलर की, यहां पे स्पीकर दिए गए हैं छत पे दो, ये छोटे-छोटे से, और ये इसका ग्रैब हैंडल फोल्डेबल। यहां पे व्हाइट कलर की लाइट मिलेगी सनरूफ के लिए कंट्रोल, यहां पे सनग्लास होल्डर, मैनुअल इसमें आपको ये डिमिंग ORVM भी मिल जाएगा। अब इसका स्टीयरिंग दिखा दूं तो डी कट है, लेदर रैप, यहां पे सिल्वर टेक्सचर मिलेगा, यहां पे ये पियानो ब्लैक,
ये कंट्रोल म्यूजिक सिस्टम के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं MID और इसमें क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर के लिए स्ट्रोक, यहाँ पे मिल जाएगा ऑटोमेटिक हेडलैम्प के लिए, इंजन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे दिया गया है, फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए ये दिया गया है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो भाई ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब एक बार आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके। ये देखो भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको दो साइड में इसमें डायल मिलेंगे, ये टैकोमीटर स्पीडोमीटर, बीच में MID है, और भाई यहाँ पे ऊपर टाइम शो करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ पे फ्यूल शो करता है, यहाँ पे शो करता है टेम्परेचर जो कूलेंट का टेम्परेचर होता है वो, और यहाँ पे गियर शो करेगा पी मोड पे यानी पार्किंग मोड पे तो यहाँ पे शो करेगा, ये जैप मोड यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ओडोमीटर, बीच में यहाँ पे ट्रिप से रिलेटेड डाटा शो करेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ये कंट्रोल दिया गया है, इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, बस ये इसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे। इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको पूरा टच म्यूजिक सिस्टम मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसमें आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जो इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल है इसके लिए डिस्प्ले यहाँ पे शो करेगा, दोनों साइड लो टेम्परेचर ये शो कर रहा है, यानी कि ड्यूअल जोन इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, यहाँ से आप टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी और जो भी इसमें फीचर है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं AC के। ये हो गया भाई इसका फ्रंट रो। अब बात करते हैं दूसरे वाले वेरिएंट की, उसमें दिखाता हूँ क्या कुछ फीचर मिलते हैं। ये है भाई Z8 वेरिएंट, इसमें दिखाता हूँ अब आपको। जो इसका डोर पैनल है वो भाई सेम है, सॉफ्ट टच है, यहाँ पे ड्यूअल टोन है, यहाँ पे ब्राउन कलर ये मिल जाएगा, प्लास्टिक पार्ट है पूरा हार्ड प्लास्टिक। ये इसका डोर ओपनर, यहाँ पे डोर हैंडल, पियानो ब्लैक ये मिलेगा, यहाँ पे भी सारे कंट्रोल मिल जाएंगे आपको ORVM के और पावर विंडो के लिए। सीट की बात करूँ तो भाई यहाँ पे भी आपको दो ये कलर मिल जाएंगे, ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, मैनुअली आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और भाई यहाँ पे एडजस्टेबल रेस्ट भी दिए गए हैं। अब चलते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा, वो है स्पीकर का, इसमें यहाँ पे स्पीकर नहीं मिलता, ये आपको स्पेस मिल जाएगा, कुछ भी यहाँ पे आप परफ्यूम फोटो वगैरह जो भी आप लगाना चाहो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे यहाँ पे इसमें भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, पूरा ब्राउन कलर का यहाँ पे ये लेदर यूज किया गया है, यहाँ पे स्कॉर्पियन का ये बैज मिलेगा। ग्लोव बॉक्स दिखा दूं तो ये भी भाई कूल्ड है, इस वाले वेरिएंट में भी कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, और भाई जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो भी सेम मिलेगा, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसमें आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पूरा पियानो ब्लैक है, ये सिल्वर टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है। नीचे यहाँ पे बात करूं तो SOS का ये बटन मिलेगा, आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए मिल जाएगा, हैजर्ड लाइट का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे मिल जाएगा ये हिल डिसेंट कंट्रोल। अब इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, डमी बटन मिलेगा। इस वाले वेरिएंट में भी आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा ऑटोमेटिक। नीचे यहाँ पे बात करूं तो सेम गियर नॉब है, यहाँ पे PR&D का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और भाई लेदर रैप है, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे कप होल्डर, मैनुअली हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट ये भी भाई लेदर रैप है, सॉफ्ट टच है, अंदर इसमें भी आपको सेम स्पेस मिलेगा। ऊपर यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRVM मिलेगा, सनग्लास होल्डर ये दिया गया है, व्हाइट कलर की लाइट, यहाँ पे माइक, और भाई सनरूफ के लिए कंट्रोल, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा लाइट के साथ, यहाँ पे फोल्डेबल ग्रैब हैंडल। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की, यहाँ पे डी कट स्टेयरिंग है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सेम वही डिजाइन है, और वही सारे इसके ऊपर आपको फीचर मिलेंगे जो Z8 लग्जरी में है। म्यूजिक सिस्टम के लिए कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और MID के लिए कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट दिखा दूं तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये भी नहीं है, इसमें भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट करने के लिए बटन है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे मिल जाएगा। अब भाई फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे इसका क्लस्टर दिखा दूं तो ये भी भाई सेम है, इसमें भी डिफरेंस नहीं है कुछ भी, एक एक चीज भाई वैसी है जैसा Z8 लग्जरी में था। नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्यूल गेज, यहाँ पे ये टेम्परेचर शो करेगा जो इंजन का टेम्परेचर कूलेंट का, यहाँ पे बीच में गियर शो करेगा, ये इसका टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ऊपर यहाँ पे आउटसाइड का टेम्परेचर दिखाएगा, यहाँ पे टाइम दिखाएगा, बीच में ट्रिप से रिलेटेड डाटा या फिर और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप चेक करना चाहो वो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे ओडोमीटर और बाकी इन्फॉर्मेशन जो चेक करने उसके लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया। इसमें भी सारी चीजें वही है, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, वही है भाई सारी चीजें। इसके इंटीरियर में जो डिफरेंस आया है वो है भाई स्पीकर का, यहाँ पे आपको इसमें स्पीकर्स नहीं मिलते, बाकी तो और सारी चीजें भाई सेम है। दो एयरबैग कम मिलेंगे इसमें आपको, ये ऊपर छत वाले जो स्पीकर हो रहेगी फ्रंट में यहाँ पे स्पीकर होता है ये इसमें नहीं मिलेगा। अब चलते हैं भाई सेकंड रो में, फ्रंट रो हो गया दोनों ही वेरिएंट का। अब Z8 वेरिएंट का सेकंड रो दिखा दूं आपको, तो पहले डोर दिखाता हूँ, डोर सेम है, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, पियानो ब्लैक, ये सॉफ्ट टच, ये यहाँ पे प्लास्टिक है, ये इसका डोर ओपनर, यहाँ पे डोर हैंडल, नीचे बोतल स्पीकर। अब ये वाला वेरिएंट 7 सीटर है तो यहाँ पे आपको कैप्टन सीट नहीं मिलती, ये सीट फोल्ड है क्योंकि ये इसमें अंदर फुटरेस्ट रखे हैं, जो साइड में
फुटरेस्ट होते हैं वो यहाँ पे रखे, अभी लगाए नहीं गए। नीचे यहाँ पे आपको इसमें पीछे के लिए एसी के वेंट मिलेंगे, टाइप सी इसमें पोर्ट मिल जाएगा और एयर का जो फ्लो है उसको भी कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे केबिन लाइट दी गई है, फोल्डेबल ये ग्रैब हैंडल। अब दिखाता हूँ दूसरे वाला वेरियंट, इसमें भी अंदर भाई ये रखे हैं। दूसरी साइड से जाके दिखाऊँ, थोड़ा आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये देखो भाई, ये है Z8 लग्जरी वेरियंट। इसमें भी आपको वही ड्यूअल टोन मिल जाएगा, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये इतना सॉफ्ट टच मिलेगा। ये पियानो ब्लैक, पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे डोर ओपनर, ये इसका भाई हैंडल मिल जाएगा। नीचे बोतल होल्डर, यहाँ पे दिया गया है स्पीकर। सीट दिखा दूं तो भाई ये वाला वेरिएंट 6 सीटर है, तो बीच में यहाँ पे आपको कैप्टन सीट मिलेंगी सेकंड रो में भी। जो दूसरे वाला वेरिएंट था वो भाई 7 सीटर था, इसलिए उसमें यहाँ पे कैप्टन सीट्स नहीं थी। अब भाई सीटें इसमें भी फोल्डेबल हैं, बैठ के दिखा दूं आपको तो यहाँ पे पूरा वही कंफर्ट मिलेगा जो दूसरे वाले वेरिएंट में था। जैसी ये फ्रंट वाली सीट है ये वैसी ही है, अंडर थाई स्पोर्ट की, यहाँ पे कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। सेंटर वाला पार्ट भाई ये खाली है, यहाँ से भी आप पीछे जा सकते हैं, नहीं तो ये सीटें फोल्ड हो जाएंगी आगे की तरफ, तो फिर आप थर्ड रो में इसकी जा सकते हैं। यहाँ पे एसी के वेंट मिलेंगे, टाइप सी पोर्ट है और जो पीछे वाला ब्लोर है उसकी स्पीड यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है हुक के साथ। तो ये हो गया भाई सेकंड रो। अब इसका थर्ड रो दिखा दूं, यहाँ से चला जाएगा इसमें, ये भाई सीट फोल्ड है, तो इसको करता हूँ मैं पहले ऊपर। पूरी इसमें बेंच सीट मिलेगी, दो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल इसमें हेडरेस्ट मिल जाएंगे, नीचे यहाँ पे 2 सीट बेल्ट है और भाई यहाँ पे आपको कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं मिलेगा, ना कोई यहाँ पे बोतल होल्डर। यहाँ पे स्पीकर ये दिए गए हैं, ऊपर लाइट है, ग्रैब हैंडल दिया गया है। पीछे यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये दिया गया है यहाँ पे। और इस साइड कोई भी आपको पोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे एक ये स्पीकर इसमें मिल जाएगा। इस साइड भी आपको भैया लाइट मिलेगी, ग्रैब हैंडल मिलेगा। ये था थर्ड रो Z8 लग्जरी वेरियंट का। अब भाई Z8 वेरियंट का दिखा दो थर्ड रो। यहाँ पे ये बीच में रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें भाई आपको कैप्टन सीट नहीं मिलती, ये वाली सीट फोल्ड करके आपको जब इसमें पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको सेम सीटें मिलेंगी, ये एडजस्टेबल इसमें हेडरेस्ट दिए गए हैं, पूरी सीट है। अब इसके ऊपर भाई ये सामान रखा था इसलिए इसको ऊपर नहीं उठा पाऊंगा मैं। वैसे फीचर दिखा दूं तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए इसमें पोर्ट मिलेगा, 12 वोल्ट का सॉकेट है। पीछे यहाँ पे कोई भी स्पीकर नहीं है, लाइट मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल मिलेगा। यहाँ पे ये सारा कुछ सेम है, बाकी चीजें यहाँ पे भी ये लाइट वगैरह इसमें दी गई है। सिर्फ जो छत वाले स्पीकर थे वो इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये था डिफरेंस। अब बात करते हैं भाई इनकी कीमत की। अब भाई दोनों ही वेरिएंट का एक्सटीरियर और इंटीरियर मैंने दिखा दिया, क्या क्या इनमें डिफरेंस था, फीचर का क्या डिफरेंस था वो मैंने बता दिया। बात आती है अब इनकी कीमत की, कीमत में कितना डिफरेंस है। जो Z8 वेरियंट है इसकी एक्स शोरूम कीमत है 20,46,500 रुपए और जो Z8 लग्जरी वेरियंट है इसकी है 22,26,500 रुपए, यानी कि 1,80,000 रुपए का इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 1,80,000 रुपए में जो जो फीचर कम मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस एक बार फिर बता दूं, फ्रंट में सेंसर और कैमरा नहीं मिलेगा, अंदर आपको भाई इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलेगी, ड्राइवर साइड की वो मैनुअल मिलेगी, और भाई इसमें आपको जो छत वाले स्पीकर होते हैं ना वो कम मिलेंगे। बस ये था डिफरेंस, बाकी तो और लगभग सारा कुछ सेम है। 1,80,000 का डिफरेंस है दोनों ही वेरियंट में, बाकी देखने में बिल्कुल सेम है। फ्रंट सेंसर और कैमरे की कुछ खास जरूरत भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अब ऑटोमेटिक वेरियंट है तो अलॉय व्हील भी इसमें आपको मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं वहाँ पे अलॉय व्हील है और यहाँ पे भी इसमें अलॉय व्हील दिए गए हैं। तो ये था भाई डिफरेंस दोनों वेरिएंट का, Z8 लग्जरी ऑटोमेटिक और Z8 ऑटोमेटिक। 1,80,000 का कीमत में डिफरेंस है, फीचर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में ही। तो भाई मेरे लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनता है Z8 वेरिएंट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। तो ये था भाई आज का वीडियो, आज का कंपैरिजन इन दो वेरिएंट्स में। आपको कैसे लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।